रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सितंबर को सुबह 1:55 पर जब चंद्रयान का लैंडर विक्रम चांद की धरती पर कदम रखेगा, उसी के साथ भारत एक नया इतिहास रचेगा। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 के उतरने का सीधा नज़ारा देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 हाई स्कूल विद्यार्थियों के साथ बेंगलुरु इसरो केंद्र में मौजूद रहेंगे। बता दें कि अब तक चांद पर भेजे गए मिशन में सॉफ्ट लैंडिंग के चांस बस 37% ही सफल हुए हैं। हालांकि इसके बावजूद इसरो पूरी तरह आत्मविश्वास रखे हुए है कि ये मिशन जरूर सफल होगा। दरअसल वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट में हमेशा ये एक रूल रहा है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट के पास होने के 1% भी चांस हो तो उसे जरूर आजमाया जाता है। अनगिनत सपनों को लेकर चंद्रमा पर गए चंद्रयान 2 के पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह पर अच्छे से उतरने के साथ ही रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश हो जाएगा और चंद्रमा के अनदेखे दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद विक्रम के भीतर से रोवर प्रज्ञान 7 सितंबर की सुबह 5:30 से 6:30 के बीच बाहर निकलेगा और एक चंद्र दिवस की अवधि तक चंद्रमा की सतह पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। ऑर्बिटर का जीवन काल 1 साल का है और ये लगातार चंद्रमा की परिक्रमा कर धरती पर मौजूद इसरो के वैज्ञानिकों को संबंधित जानकारी भेजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।